हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्मा को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हमें रहस्य को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोषों के प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। एकमात्र पिता पवित्र है एकमात्र पुत्र पवित्र है एकमात्र आत्मा पवित्र है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तू अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नवजीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया। तेरी करुणा की योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीभ अशक्त है। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह की कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन।